नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं रहेजा तपस का 4 BHK सैंपल फ्लैट। ये जो तपस है ये रहेजा रेवांता का एक पार्ट है, जिसमें हाई राइज टावर को सूर्य और लो राइज को तपस के नाम से पहचाना गया है, और इन दोनों को मिलाकर इस प्रोजेक्ट का नाम रेवांता बनता है। और ये सेक्टर 78 में लोकेटेड है, और इसके अंदर माइवन कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसमें रहेजा डेवलपर्स के कंस्ट्रक्शन पार्टनर अरबटेक के सहयोग से इसे बनाया जा रहा है। और अब मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ करने जा रहा हूं। अब हम बात करते हैं रहेजा डेवलपर्स के आइकॉनिक प्रोजेक्ट रहेजा रेवांता की। ये प्रोजेक्ट 18.72 एकड़ में फैला हुआ है, और इसके बात करते हैं कनेक्टिविटी की। ये नेशनल हाईवे नंबर 48 से महज 2 मिनट के ड्राइव पर है, और इसके ये एक और दूसरी तरफ 24 मीटर सेक्टर रोड लगता है। यानी कि ये प्रोजेक्ट आपको तीनों तरफ से ओपन मिलेगा, और ये लैंडलॉक नहीं है। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की और यूएसपी के बारे में। ये प्रोजेक्ट लगभग 200 मीटर ऊंची हाइट का है, जो कि गुड़गांव की टॉलेस्ट बिल्डिंग रहेजा रेवांता के नाम से जानी जाती है। और इसके अंदर हाई राइज में 3 BHK आप इसमें ले सकते हैं 2200 स्क्वायर फीट, या 4 BHK 3400 स्क्वायर फीट आप ले सकते हैं। और इसके साथ से ये सूर्य टावर है, और इसके बाद ये अगर आप लो राइज की बात करते हैं, लो राइज को तपस के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर आप 4 BHK 3532 स्क्वायर फीट ले सकते हैं। और अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग के बारे में। और इस प्रोजेक्ट के अंदर आप जैसे देख रहे हैं कि ये 24 मीटर रोड जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और यहां से एंट्रेंस है इस प्रोजेक्ट के अंदर तपस। ये G+4 की हाइट है, जिसमें आपको कुल 27 टावर मिलेंगे, और एक टावर के अंदर चार एक साइड टोटल 8 यूनिट रहेंगी। और इसके साथ ही ये आप देख रहे हैं इसका सेंट्रल ग्रीन एरिया, यानी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में काफी डिस्टेंस रहेगा, जिससे कि ऐसा महसूस नहीं होगा कि कोई तालछाक कर रहा है। ये देखिए, इसके अंदर एंटर करते हैं तो सेंटर में पार्क और वाटर बॉडीज हैं, और सामने एक यूनिक क्लब हाउस है, जो कि किसी और प्रोजेक्ट के अंदर आपको ऐसा क्लब देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके बात करते हैं इसके रैंप की। यहाँ आप गाड़ी आपकी एंटर करती है और सीधा रैंप पे एंटर हो जाती है बेसमेंट में। वाइकलर मूवमेंट सरफेस पे नहीं रहेगा। और इसके अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। ये है तपस का दूसरा पार्ट। इसमें आप देख रहे हैं कि विजिटर पार्किंग के साथ ये तपस लो राइट फ्लोर है, और काफी खूबसूरत तरीके से इसका डिजाइन किया गया है। इसमें रहेजा डेवलपर्स के साथ उनके कंस्ट्रक्शन पार्टनर अरबटेक हैं, जिन्होंने बुर्ज खलीफा बनाया था, इसलिए रहेजा डेवलपर्स के नाम पे अभी गुड़गांव और दिल्ली में सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने का रिकॉर्ड है। और अब हम आते हैं सूर्य टावर में। सूर्य टावर में आप ये देख रहे हैं कि ग्रीन पार्क के साथ ये प्रॉपरली जो है जॉगिंग ट्रैक है, और ये आपको 3 टावर्स में मिलता है, टावर ए, टावर बी एंड टावर सी। इसमें टोटल प्रोजेक्ट के अंदर 772 अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें टावर ए और सी की हाइट G+51 है,
और टावर बी की जो हाइट है वो जी प्लस 61 है, और इसमें आपको 5 BHK एंड 6 BHK पेंट हाउस ऊपर मिलते हैं। इसमें आपको 46 फ्लोर पे कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि इस टावर का जो क्लब हाउस है वो 46 फ्लोर पे है, और ये एक बहुत ही यूनिक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है रैजा डेवलपर्स का। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं रैजा तपस का 4 BHK 3334 स्क्वायर फीट फ्लैट। फ्लैट पे एंटर करने से पहले ये आपके टावर की लिफ्ट रहेगी। इस टावर की लिफ्ट आप देख रहे हैं कि फर्श पे यहाँ पे इम्पोर्टेंट मार्बल लगा हुआ है और काफी रॉयल लुक दे रहा है। अंदर ग्लास वर्क किया सारा। और अब हम बढ़ते हैं सर्वेंट रूम की तरफ। ये है इस 4 BHK प्लस सर्वेंट फ्लैट का सर्वेंट क्वार्टर। फर्स्ट पेंट एंड स्किप टाइल्स और दीवारों पर पेंट किया गया वाटर स्विचेस के साथ। साथ में इसके अटैच वॉशरूम। वॉशरूम में आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट पे एंटी स्किड टाइल्स और दीवारों पे मैट टाइल्स लगी हुई हैं ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ। सर्वेंट रूम का वॉशरूम तैयार किया गया है। फोर बी एच के प्लस सर्वेंट 3434 साइज फ्लैट में हम एंटर कर रहे हैं। इस फ्लैट में एंटर करते ही हमें एहसास होता है कि ये कोई बहुत ही बेहतरीन फ्लैट है, क्योंकि इसमें आप ये देख रहे हैं यूनिकनेस कि डोर बहुत ही ब्यूटीफुल है, होम ऑटोमेशन लगा हुआ है और फर्श पे इम्पोर्टेंट मार्बल के साथ ये यूनिक टाइल्स का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और ये लिविंग डाइनिंग एरिया, ये डाइनिंग स्पेस, ये लिविंग एरिया। आप इसे चाहे तो यहां पार्टीशन अरेंज करके 4 BHK या इसे एज इट इज 3 BHK जैसा आप चाहे चुन सकते हैं, ये आपकी चॉइस रहेगी। और इसके साथ ये आपकी बालकनी रहेगी। ग्राउंड फ्लोर की ये यूनिट है तपस टावर में। बहुत ही बेहतरीन आज शायद पहली बार आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं कि मुझे कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि सैंपल इतने ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। इसके साथ ये आपको ओपन मॉड्यूलर किचन मिलेगा विथ मार्बल स्लैब, लोअर कैबिनेट, अपर कैबिनेट, ब्रांडेड सिंक, और इसमें आपको बाकी सब तैयार कर दिया जाए मॉडल स्विचेस टाइल्स के साथ। सिर्फ ये चिमनी एंड हॉब इंस्टॉल नहीं होगा। और इस
इसके साथ ये अटैच बालकनी। बालकनी क्या ये एक तरह की बैठक है कि आप यहां पर बैठकर चाय कॉफी या बातचीत करने का लुत्फ उठा सकते हैं। अब इसके बाद हम अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। इसको चाहे तो हम सेकंड बेडरूम में मान सकते हैं क्योंकि लिविंग डाइनिंग का पार्टीशन करके हम इसका सेकंड बेडरूम भी बना सकते हैं। रूम में एंटर करते ही हमें यहां अटैच वॉशरूम मिलता है। या देख पा रहे हैं कि इसमें काफी हाई लेवल की ब्रांडेड फिटिंग्स मिलती हैं। वॉश बेसिन। इस वॉशरूम का डिजाइन अपने आप में ही बहुत यूनिक है। फर्श पे बहुत ही बेहतरीन एंटीस्किड टाइल्स, दीवारों पे मैट टाइल्स, बहुत ही यूनिक। उसकी यूनिकनेस ये है कि यहां पे आपको बेडरूम के साथ वॉशरूम में ग्लास पार्टीशन मिलता है। आप यहां सॉलिड ब्रिक्स लगा के इसे कवर भी कर सकते हैं या एज इज ग्लास पार्टीशन रखकर इस पे आप शावर कर्टन या ग्लास फिल्म लगा के कवर कर सकते हैं विद ब्रांडेड शावर सेट। तो इसके साथ यहां आपको कबर्ड स्पेस मिलता है जिसमें आप अपने मुताबिक यहां कबर्ड बनाकर इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। यहां फर्श पे यूनिक टाइल्स, इस सैंपल फ्लैट की शोभा बढ़ाती है। हम वापस हैं अपने लिविंग डाइनिंग एरिया में और यहां से आप बढ़ते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। ये आप देख रहे हैं कि फर्श पे और दीवारों पे वर्साचे ब्रांड की यूनिक टाइल्स लगी हैं ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ। ये बहुत ही बेहतरीन शॉवर सेट। और ये वॉशरूम अटैच प्लस कॉमन वॉशरूम रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। ये आपको कबर्ड स्पेस यहां दी गई है, अपने मुताबिक आप इसमें कबर्ड बनवा सकते हैं। फॉयर स्पेस। और इसके साथ ये अटैच वॉशरूम। ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ इस फ्लैट की यह यूनिकनेस है कि इसमें आपको ग्लास पार्टीशन दिखाया गया है।
आप इसे चाहे तो एज इट इज ग्लास पार्टीशन रख सकते हैं, या इसको सॉलिड ब्रिक्स या ड्राई कंस्ट्रक्शन से कवर भी कर सकते हैं। और ये जकूजी टब और इसके साथ ये अटैच बालकनी। निवेशकों को चेतावनी दी जाती है कि आप बिना रियल एस्टेट एक्सपर्ट की गाइडेंस के कोई भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश ना करें, और आप जिस भी रियल एस्टेट एक्सपर्ट को हायर करते हैं कृपया ये सुनिश्चित कर लें क्या वो रियल एस्टेट एक्सपर्ट आपको आफ्टर सेल सर्विस और कस्टमर लॉयल्टी बेनिफिट के तहत आपका सपोर्ट करेगा। ये बात सुनिश्चित कर लें तभी आप किसी रियल एस्टेट एक्सपर्ट को हायर करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप प्रॉपर्टी लेने में किसी की सहायता करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, और हमें ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए प्लीज आप हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।